कांग्रेसी नेता विनय महाजन की ओर से अपने निवास स्थान पर आजादी पर्व के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय ध्वज लहराया गया। इस मौके पर देशवासियों को इस दिन की शुभकामनाएं दी गई और उन्होंने देश की आजादी में अपनी जान की आहुतियां डालने वाले शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए और उन्होंने लोगों को सरकार द्वारा दी गई हिदायतों का पालन करने के लिए कहा। स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर से मैं अपने वालों, अपने सारे कांग्रेसी कार्यकर्ता वालों, शहर वासियों को, देश वासियों को लख लख बधाई देता हाँ। और अज दिन है उन्हां महान शहीदों को, उन्हां महान स्वतंत्रता सेनानियों को याद करन दा, जिन्हां दे करके साडा भारत वर्ष आजाद होया। अज दिन है उन्हां महान सैनिकों को और उन महान शहीदों को, देश जिन्होंने देश की सरहदा से साडे देश की सरहदा की रक्षा की और सरहदा महफूज किया। अज दिन है उन्होंने याद करन दा, जिन्होंने साडे देश की एकता दे अखंडता बहाल रखिया। मैं अज अपने सारे साथियों समेत पंजाब प्रदेश कांग्रेस वालों एक बार फिर सारे शहर वासियों ते देश वासियों नूं बधाई देंदे होए आस करदा हाँ कि साडा देश भारतवर्ष दिन दुगनी रात उन्ती चुनती चुगनी उन्ती करे और शिखरां ते रहे, बुलंदियां ते रहे और आन वाला जिहड़ा समां साडा देश दुनिया भर दी इक नंबर ताकत बने। इहदे नाल ही मैं अज जिहड़ी विश्व और साडे देश विच कोरोना महामारी फैली है उहदे लई भी मैं प्रभु अगे अरदास करना, हे प्रभु राम तुसी इस बीमारी नूं साडे देश ते विश्व चों जल्दी तो जल्दी लोगों नूं निजात दिओ तां जो लोग अपने कारोबार दे विच और अपनी सेहत दे विच पहले वांग कायम होण। और समाजिक तौर ते मैं ये सारे नूं कहना चाहना कि आपां इस बीमारी लई समाजिक दूरी बनाई रखीए और जिहड़ी सरकार दी हदायत उन्हां दा पालन करिए, अपने बच्चों और बजुर्गों का ख्याल रखिए ता कि वो सारे सेहतमंद रहन। धन्यवाद, जय हिंद। Hope once you visit this campus, your all queries regarding admission shall be fulfilled. Do visit us before seeking admission anyway. कोरोना से फाइट करने के लिए आप सब अपने घरों में हैं और आपका और आपके परिवार का मनोरंजन कर रहा है टीवी इंटरनेट। क्या आप जानते हैं कि आपके घर में टीवी बराबर चलता रहे, आपका पसंदीदा चैनल आप तक लगातार पहुंचता रहे और इंटरनेट में कोई रुकावट ना आए, उसके लिए हजारों केबल ऑपरेटर्स और केबल वर्कर्स 24/7 आपके मनोरंजन के लिए काम कर रहे हैं। सभी केबल कर्मचारियों को सलाम।